गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वक्त मैं हूँ टांगनाक के पीछे, 3 या 4 गेस्ट हाउस बस यही है जो कुछ है। कल दोपहर को यहाँ मैं पहुँचा था और लंच किया, उसके बाद आगे यहाँ से अभी चोला पास की चढ़ाई है, तो उतना टाइम था नहीं मेरे पास, क्योंकि है तो 4.5 किलोमीटर पर फिर भी ये कम से कम 4-5 घंटे की चढ़ाई है, 5400 मीटर के आसपास का अल्टीट्यूड है। और फिर वैसे भी कल लंच के बाद बर्फ़ गिरने लग गई थी, तो यहाँ आप हाल देख सकते हैं, चारों तरफ वाइट वॉश हो रखा है। अभी 9 बजे हैं और नाश्ता तो फिर भाई क्या ही किया है, थोड़ा सा एक छोटी सी आधी कटोरी वो पॉरिज वही खाया है। तो 4-5 दिन से इस ट्रैक पे तो यही हालत है, पेट खाली होता है, खाया कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा कुछ खाते ही ऐसा होता है जैसे कि बाहर आ जाएगा, ये एल्टीट्यूड में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। कल इस तरफ से मैं वो ग्लेशियर पार करके आया था, फिर ये जगह मिली थी। अभी कदमों के निशान देख के लग तो रहा है कि 4-5 लोग जो कल आ रहे थे वो ग्रुप ऊपर गया है, तो इससे थोड़ा अंदाज़ा लगता रहेगा रास्ते का। बाकी टेम्परेचर का तो हाल पूछो ही मत, आप सारा कुछ जमा हुआ है, मतलब बाल्टियों में पानी, बाल्टियों छोड़ो बहता हुआ पानी जम रखा है। कल रात में भी कुछ नहीं खाया, बस आधी कटोरी सूप पिया था, फिर रात में नींद भी क्या आई नहीं थी, भूख लग रही थी बीच बीच में, तो बैग में से एक आधी गजक निकाल के खा रहा था। आज मेरे को लगता नहीं और कोई होगा यहाँ पे, यही थे कल हम 5 लोगों का ग्रुप, वो था एक मैं था, तो वो तो पहले निकल गए मेरे से, अब बचा मैं। सामने वाली साइड से अगर कोई आ जाए तो कह नहीं सकते, बाकी तो कोई नहीं। और इतनी हार्ड हो रखी है कोई 2-3 घंटे बाद ये थोड़ा पानी बनेगा इसका। ऐसे शुरुआत का कोई आधा घंटा 40 मिनट के आसपास हुआ है मेरे को, और बिल्कुल आराम से मैं बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेके चल रहा हूँ, जो कि ठीक है मेरे ख्याल में। उससे क्या है कि बहुत मतलब बुरे तरीके वाली सांस भी नहीं फूल रही और ठीक ठाक डिस्टेंस भी कवर हो रही है। और यहाँ पे क्या होता है कि चलते चलते जैसे 2 मिनट चलने के बाद आपको ऐसा हुआ कि आपकी सांस फूल गई है तो आपको वहीं पे रुक जाना चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया, लालच कर लिया कि अरे आगे वो पत्थर है उस पर बैठता हूँ, नहीं नहीं बहुत भयंकर हालत हो जाएगी उसके बाद। टेम्परेचर ये पूरे इलाके में -10 से -20 डिग्री के बीच बीच में रहता है, दिन में थोड़ा -8-7 ये हो जाता होगा, और
अगर बर्फ़ गिरने लग गई या फिर शाम से लेके सुबह तक रात भर भी, वो फिर -15-17 ऐसा है। आज तो मुझे किसी साइड से भी कोई आता हुआ नज़र नहीं आता। कल फिर भी चलो, मेरे आगे एक ग्रुप था 4-5 लोगों का और इस तरफ से 3-4 लोग जाते हुए मिले थे। अब तो हाइट ज़्यादा है और ऊपर से बर्फ भी ज़्यादा है। भूख लग गई थी बहुत जोर की, एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया था। ये तो शुक्र है मैं गज्जक और बिस्कुट थोड़े साथ लेके आया हूँ। ऐसे इलाकों में ज़रूर रखने चाहिए ये साथ में। वरना पहली बात तो यहाँ पे है नहीं, पूरा पूरा दिन कुछ नहीं मिलता है, और अगर दिन में या शाम को कहीं पे कुछ 2-4 ढाबे टाइप का कुछ मिलता भी है, वो इतना महंगा है मैं क्या बताऊँ आपको। अभी मैं जहाँ पर भी रुक रहा हूँ ना, तो वहाँ पे रहने का और खाने का दिन का 3,000 रुपये लग ही रहा है। दाल चावल 1,000 रुपये के, सोचो आप। पोरिज क्या होता है, दलिया थोड़ा सा एक कटोरी 700 रुपये का वो था। सब सुनसान, कोई आवाज़ नहीं। वो सुबह ग्रुप गया उससे मेरे को इतना फ़ायदा हो गया, मेरे को रास्ता ढूंढने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही। बर्फ़ है अब, इसका तो क्या ही कर सकते हैं। लो जी, होगी कार्रवाई शुरू। बता क्या जल्दी थी, 3 में 4 घंटे भी यार ढंग से खुला मौसम नहीं रहता है। ऊपर से इस बर्फ में थक के बंदा 2 मिनट कहीं रेस्ट करे, बैठने की भी जगह नहीं। जैसे जैसे ऊपर आ रहा हूँ ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही है बर्फ। ये पत्थर लगा है, एक झंडा है। ये पॉइंट है 5100 मीटर पास, चोला है वो सामने जो 2 ऊंचे पहाड़ दिख रहे ना उनके बीच में से। पानी ख़त्म होने वाला है, आधी से भी कम बची है, पर आगे चढ़ाई है, बर्फ़ ही बर्फ़ है तो कोई चांस है नहीं। कोई थोड़ा बहुत जो पानी पड़ा इसमें उसमें यही चाह रहा है, थोड़ी बर्फ़ डाल के इधर मिक्स हो जाएगी तो थोड़ा पानी बढ़ जाएगा।
थोड़ी देर तो काम चलेगा। अभी मेरे को यहाँ पे दो तीन लोग दिखे हैं उधर से चोला पास क्रॉस करके आ रहे हैं। पूरे दिन में आज ये पहले बंदे हैं। दो तीन नहीं, एक ग्रुप है पूरा, एक दो पांच। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ इज इट अप देयर? Well, the pass is there. Oh, it's that way. I thought it's there. Okay. But it's become so foggy and cloudy. Yeah, you could have seen it a while ago. But yeah. Yeah, just before this one, I could see some good mountains. It's right there in the clouds. Now not. ग्रुप में चलते हुए भी सब लोग इतने थके हुए होते हैं कि जब भी रेस्ट करते हैं कहीं पे, बस अपना चुपचाप एक ठिकाना देख के थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट लेते हैं और फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बात करने में बोलने में भी एनर्जी लगती है। मेरे को लगता है मैं एवरेस्ट बेस पहुँचूंगा तब तक मेरा गला बिल्कुल साइलेंट मोड पे आ जाएगा। यहाँ से 1.25 किलोमीटर का रास्ता आगे वैसा ही पत्थरों के बीच में से सीधी चढ़ाई है। और जो ये लास्ट वाला 1 किलोमीटर होता है ना, ये अंदर से जान तक नहीं छोड़ लेता बंदे की। मैप दिखा रहा है एग्जैक्टली 1 किलोमीटर और उसमें लगेंगे 2 घंटे। सोचो कछुआ भी तेज चलता हुआ इस हिसाब से। 1 किलोमीटर में तो 20 मीटर 50 मीटर मुश्किल से चल के बैठना पड़ रहा है। दूर से पानी पीनी पड़ रही है। मैं सोच रहा था पास उस तरफ है क्योंकि उधर मुझे 2 पहाड़ों के बीच में थोड़ी जगह दिखी नीची है, तो पर ये तो काम गड़बड़ है। ये वाला पहाड़ सीधा चढ़ना भी यहाँ से हुई हुई बहुत ऊंचा यार यहाँ से। तो ये आखिरी का 0.5 किलोमीटर सीधा खड़ा चढ़ना है। अब चढ़ना तो पड़ेगा धीरे धीरे से। तो इससे ज़्यादा स्पीड कर नहीं सकता मैं, होगी नहीं। यहाँ से आगे तो बिल्कुल ही बुरा हाल है, इसीलिए इन्होंने साथ साथ तार लगा रखी है ताकि कोई गिरने लगे तो पकड़ ले। ये तो शुक्र है इस ट्रैक पे मैं एक ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके लाया हूँ, तो जिससे पता लगता रहता है कि भी चलो 100 मीटर आगे खिसक गया मैं, उससे बड़ा हौसला मिलता है। पिछले 101 मीटर से तो तार पकड़ के ही चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि टेरेन ऐसा है, स्लिपरी है, बहुत रिस्की है। ये आगे भी ऐसा ही है। ये लास्ट वाले 500 मीटर तो अगर ये साइड में
तार ना होती तो पॉसिबल ही नहीं है चढ़ना। ये गलत हो गया यार, मैं तो सोचा था यहाँ पे चढ़ के बस काम फिनिश। यहाँ एक और पहाड़ आ गया, 250 मीटर और है इस पे तो चढ़ना क्या, मतलब इस तार के बिना उतरना भी पॉसिबल नहीं है। इतना एकदम सीधा स्टीप, वैसी चढ़ाई वैसी डाउन, पूरी बर्फ। रेजोला वाला फिर भी ठीक था, ये तो उससे काफ़ी डिफिकल्ट है। एकदम से धुंध और हवा ने मौसम को बिल्कुल ही ठंडा कर दिया। तो चारों तरफ ये हाल है। हाय रब्बा, ये तो कमाल ही हो गया। हाँ, जैसे ही मैं पहुंचा हूँ चोला पास, सूरज हरकत कर रहा है कुछ। देखो जिस तरह रेंजोला में एक चिड़िया आई थी, यहाँ पे भी एक चिड़िया आई है। हेलो, यू आर ब्यूटीफुल। बिस्कुट खाना है? खाओ खाओ। बिना लड़ाई नहीं। ये था दूसरा पास, तीन पास में से चोला पास 5420 मीटर। मैं तो थोड़ा इससे कम ही लगा के चला था, पर चलो दिस इज़ द न्यू हाई। और अब इस तरफ जाना है मुझे। अरे वाह, ये देखो कितनी प्यारी कलरफुल चिड़िया। चलो इन चिड़ियों को बिस्कुट खाने देते और चलते हैं यहाँ से। रास्ता तो इधर का भी रिस्की है थोड़ा, शुरुआत का जब नीचे उतरने वाला, संभल के चलना पड़ेगा। पूरी की पूरी सफ़ेदी छाई है, उधर ऊपर वाले पहाड़ जो है उन वो थोड़े रंग बिरंगे हैं। उधर भी हरकत हो रही है, ऐसे पत्थर गिर रहे हैं गड़ गड़ गड़। ये वाला ग्लेशियर देखो आप, ये तो मैं ध्यान ही नहीं दिया था। पूरी की पूरी पेंटिंग बनाई हुई है, जैसे कि बहुत तराश कर टाइम लगा कर। माय गॉड यार, मुश्किल है बहुत अनडाउटेडली, पर मजा आ गया।
ओह नो, ये क्या टाइप के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, पूरा का पूरा देखो ये। अरे यार, ऊपर अभी धूप आई है थोड़ी थोड़ी, पर चलो कभी धूप कभी छाँव। इस तरफ तो मौसम बिगड़ रहा है और जाना भी इधर ही है। यहाँ से अगला स्टेशन है इस तरफ जोंगला, जो कि अभी भी 3.5 किलोमीटर है, और जो कि इस इलाका देखते हुए बहुत ज़्यादा है, और हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। कमाल है यार, मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एवरेस्ट के बिल्कुल आसपास कहीं और चारों तरफ अनइमेजिनेबल बर्फ, उसके बाद ऊपर से बर्फबारी इतने हाई एल्टीट्यूड के बीच में, आगे ना पीछे दाएं ना बाएं कोई बंदा, तो इतना ठंडा -20 के आसपास का टेम्परेचर मैं कभी इस तरीके के इलाकों में घूमूंगा। घूमने का था अभी भी है दुनिया देखना, पर इस तरीके का एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम से भी बढ़ के है। बहुत भयंकर वाली ठंड हो गई है। अभी थोड़ा नीचे वैली में आ गए हम, यहाँ बर्फ़ कम है, पर अभी जो गिर रही है वो तो ऊपर ही पड़ रही है। अभी गला सूख रखा है, तो पीने के लिए मैंने बोतल से पानी पीने की ट्राई की है, 2-4 घूंट पानी, पर वो भी जम गया। देख लो नीचे आते आते कितनी ठंडी हुई है। फाइनली देयर इट इज जोंगला, अब जाके आराम आएगा थोड़ा। यहाँ भी कितने, 1, 2, 3, 4 बस, 4 या 5 मैक्सिमम। तो अभी 4:15 हुए हैं, 15 मिनट हुए मुझे यहाँ पहुँचे, और लकीली ऊपर एक चिमनी जलती हुई देख के मैं सीधा इसी गेस्ट हाउस में आया। मैं कहा यहाँ आग जलती हुई मिलेगी, तो आके एक चाय पी है थोड़ी देर, यहाँ पे आग सेकी है, अब जाके थोड़ा शरीर का तापमान है थोड़ा नॉर्मल आया है, अदरवाइज तो उस शक्ल की हालत तो यहाँ आके मेरे को दिखाई दे रही है अभी, तो बाहर जो ठंड है उससे अगले 2-3 दिन में तो और चमड़ी निकल जाएगी। शाम तक का जुगाड़ कर रहे हैं भाई, यहाँ पे यही है कि एक तो ये याक का है ना जो डाल रहे हैं, याक का जो सूखा गोबर होता है ये चुन चुन के लाते हैं, और लकड़ी तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, कोई चांस ही नहीं है, तो ये इतनी बड़ी होती है, एक बार भर दी तो फिर 2-4 घंटे निकल जाएगी। अभी थोड़ी देर के लिए मौसम साफ हुआ है, तो मैं कहा बाहर का नज़ारा देखते हैं। जस्ट लुक एट दैट माउंटेन, ये वाला तो बिल्कुल सर के ऊपर ही खड़ा है।